आप सभी को नमस्कार। लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम पहले की भांति 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो इसके पहले अगर आपने इन प्रश्नों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसी तरीके के प्रश्न जो है चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको लाइब्रेरी साइंस इम्प्लीमेंट न्यूज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर GKGS भी आपको इस चैनल पे मिलता है देखने को। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अच्छा आपको लगे तो दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, दो उपसूत्रों के मध्य द्वंद्व की स्थिति में किसके द्वारा अपील की जाती है? यानी कि दो सूत्र जब आपस में टकराते हैं या समझ में नहीं आता है तो अपील जो है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के द्वारा की जाती है। यानी कि 5 सूत्रों में किसके अकॉर्डिंग वह अच्छा बैठेगा, इसी के द्वारा जो है देखा जाता है और जो उचित ठहराया जाता है उसी के अकॉर्डिंग वर्क किया जाता है। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा दृष्टिहीनों के लिए प्रसार सेवा को किस सूत्र द्वारा उचित ठहराया जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए तृतीय। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत जो है ग्रंथ प्राप्त करने हेतु कौन सा ग्रंथालय प्राधिकृत है? यानी कि कौन कौन सी लाइब्रेरी ऐसी हैं जिनको जो है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत जो है पुस्तकें प्रोवाइड की जाती हैं? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1954 जो है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट का हमारा कानून बना, और प्रथम संशोधन जो है 1956 में न्यूज़पेपर एंड क्लिप को जो है जोड़ा गया, न्यूज़पेपर वगैरह को जो है जोड़ा गया, पत्र पत्रिकाओं को, और इसमें जो है 4 ग्रंथालय को जो है ऐड किया गया, और ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है ये सबसे लास्ट में ऐड होने वाली है। तो 3 कौन सी थी? राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, कानीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, रॉयल सोसाइटी मुंबई और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। ये 4 जो है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत जो है ग्रंथ प्राप्त करती हैं। अगला प्रश्न है, एटलिस किसका संघ है? एटलिस जो है किसका संघ है? तो ये पुस्तकालय विज्ञान के शिक्षकों का जो है संघ है। अगला प्रश्न है, एटलिस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 69 में हुई थी, 1969 में एटलिस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी एसोसिएशन अब किसका घटक है? यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एल ए जो है अब किसका घटक है, तो ये क्लिप का है। ध्यान दीजिएगा, एल ए प्लस IIS को मिला के क्लिप CILIP का निर्माण जो है वर्ष 2002, ईयर भी याद रख लीजिए, वर्ष 2002 में जो है किया गया। अगला प्रश्न है, कोलकाता का राष्ट्रीय ग्रंथालय किस एक्ट के अंतर्गत ग्रंथ प्राप्त करता है? तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के द्वारा जो है प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान पर पुस्तक किसने लिखी व कब लिखी? तो भारत में अगर बात कर रहा है तो जॉन माइक फरलेन ने 1998 में लिखी थी, पुस्तकालय विज्ञान पे लिखी थी। अगला प्रश्न है, नॉसडॉक की स्थापना कब की गई थी? तो नॉसडॉक की स्थापना जो है ये 69 में की गई थी, नॉसडॉक की स्थापना जो है 69 में की गई थी। अगला प्रश्न है, नॉसडॉक का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में नॉसडॉक का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता में है। दोस्तों ट्रिपल RLF की बात हो रही है, क्वेश्चन में कैसे भी करके दे सकता है, तो इसका आपको नाम भी पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला पुस्तकालय अधिनियम कहाँ पारित हुआ? तो विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड में पारित हुआ। अगला प्रश्न है, फ्रांस का पहला पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2 अक्टूबर 1789 में हुआ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ? तो राजस्थान की बात कर रहा है तो 22 अप्रैल 2016 को हुआ, और इसी वर्ष में जो है
2006 में उत्तर प्रदेश में यूपी में भी लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रेस तथा पुस्तक अधिनियम किस दिनांक से लागू हुआ? तो प्रेस तथा पुस्तक अधिनियम जो है 1 जुलाई 1867 से लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है, 1804 में स्थापना इसकी हुई थी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1804 में हुई थी, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय पुस्तकालय संघ संविधान लागू कब किया गया? तो 1949 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के दर्शन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन ILA द्वारा कब किया गया? तो इनके दर्शन पर जो है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जो है 11 से 14 नवंबर 1985 को किया गया। अगला प्रश्न है, रंगनाथन के दर्शन विषय पर ILA ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? तो कलकत्ता में किया। अगला प्रश्न है, ILA का सी डी शर्मा अवार्ड जो है किसे दिया जाता है? तो ILA कॉन्फ्रेंस में श्रेष्ठ पेपर प्रस्तुत करने वाले को जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न है, इफ्ला का सर्वप्रथम नाम क्या था? तो इफ्ला का नाम जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन था। अगला प्रश्न है, इफ्ला में इंस्टीट्यूट शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में इंस्टीट्यूट शब्द जो है जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, इफ्ला की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई? तो इफ्ला की स्थापना जो है एडिनबर्ग में हुई और जो है इसका मुख्यालय जो है हेग में है। अगला प्रश्न है, इफ्ला वार्षिक सम्मेलन भारत में कब आयोजित किया गया? तो 1992 में रंगनाथन के जन्म शताब्दी पे किया गया था। अगला प्रश्न है, UNO की स्थापना कब हुई थी? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, 1945 में की गई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुक वर्ष कब घोषित किया गया? तो 72 में बुक वर्ष जो है घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 14 से 20 नवंबर मनाया जाता है, लेकिन ये भारत में मनाया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। और कब से मनाया जा रहा है? तो 1968 से मनाया जा रहा है। और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ILA के द्वारा जो है इसे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय सप्ताह मनाना किस वर्ष से शुरू किया गया? तो वही प्रश्न है, 1968 से। अगला प्रश्न है, रंगनाथन शताब्दी वर्ष कब मनाया गया? तो 1992 में मनाया गया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा यूनिसिस्ट जो वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है को कब लॉन्च किया गया? तो 1973 में यूनिसिस्ट को जो है लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, LR मैककॉल्विन ने पुस्तकालय के विस्तार कार्यक्रम को कितने भागों में बांटा है? तो मैककॉल्विन के द्वारा जो है 2 भागों में इसे बांटा गया है। अगला प्रश्न है, विक्रेताओं के पास रखी गई पुस्तकों के भंडार को पुस्तकालय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है आप सभी को पता है कि पुस्तकालय जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा जो है प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे जो है यह सेवार्थ नहीं रखी जाती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे है? तो जो है मेलवी डेवी को है, लाइब्रेरी इकोनॉमी के नाम से जो है इन्होंने संस्थान स्थापित किया था, लाइब्रेरी इकोनॉमी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नेपलिस को तैयार किया था, नेपलिस को जो है तैयार किसने किया था? तो RRRLF यानी कि राजा राम मोहन राय ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा शुरू करने पंजाब में किसे बुलाया गया पंजाब में? तो आस डॉन डिकिंसन को जो है बुलाया गया। तो अगला प्रश्न है, सन 1915-16 में किसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स जो है शुरू किया गया? तो डिकिंसन के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, बड़ौदा राज्य में कितने प्रकार के पुस्तकालयों को जो है
खोला गया। तो बड़ौदा में जो है चार प्रकार के पुस्तकालय को खोला गया था डब्ल्यू ए बॉर्डन के द्वारा। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू ए बॉर्डन और डिकिंसन किसके शिष्य थे? तो ये मेलवी डेवी के दोनों शिष्य थे। कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है किस देश के थे, तो आपको जाहिर सी बात है कि अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है, भारत में बी लिप कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब प्रारंभ किया गया था? तो बी लिप जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा 1947 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में एम लिप कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा और कब शुरू किया गया था? तो 1949 दिल्ली विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम पीएचडी कोर्स का प्रारंभ सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय ने कब शुरू किया? तो 1951 में। और जो है प्रथम पीएचडी जो है किसे मिला था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन वही आ गया। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पीएचडी उपाधि किसे और कब प्रदान की गई थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1957 में डीबी कृष्ण राव को जो है प्रथम पीएचडी जो है प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है, किस धर्म में पुस्तक दान को महादान माना है? तो बौद्ध धर्म में जो है पुस्तक दान को जो है महादान माना गया है। अगला प्रश्न है, आज पुस्तकालय समाज के किन क्षेत्रों की पूर्ति में संलग्न है? तो लाइब्रेरी जो है बौद्धिक, मनोरंजन, सूचना प्रयोग और सांस्कृतिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में आईएसएसएन नंबर जो है किसके द्वारा आवंटित किया जाता है? तो निस्कियर के द्वारा जो है इसे आवंटित किया जाता है और इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों को किस उपाधि से जो है विभूषित किया गया है? तो पुस्तकालयों को जो है ज्ञान का मंदिर, स्वर्गतुल्य स्थान, विश्वविद्यालय का हृदय के नाम से जो है संबोधित किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे लाइब्रेरी साइंस के, जो आपके लिए उपयोगी होंगे किसी भी एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है चाहे वो राजस्थान का एग्ज़ाम हो या KBS का हो, NBS का हो, UGC नेट हो, अदरवाइज कहीं का भी एग्ज़ाम हो, ये सबके लिए यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।